गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जेड बानो लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से सब्जेक्ट उर्दू क्लास 11th के लिए आज असाइनमेंट लेकर आई हूँ। देखिए, चलिए देखिए, पहला सवाल है मंदरजा जैल अक्तबास का मतलब हवाले के साथ लिखिए। ये है, ये पैराग्राफ हम पढ़ देते हैं। सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शुगल का शौक हो और वो उसमें बेतकल्लुफ उम्र बसर करे उसका नाम आयश है। तुम्हारी तवज्जे मुझ पर ये बातरफ शहर व सुखन के तुम्हारी शराफत नफ्स और हुस्न तबा की दलील है और भाई ये तुम्हारी सुकन गुस्तरी है। उसकी शोहरत में मेरी भी तो नाम आवरी है। मेरा हाल उस फन में अब ये है कि शहर कहने की रोश और अगले कहे हुए अशार सब भूल गया हूँ, मगर हाँ अपने हिंदी कलाम में से डेढ़ शहर यानी एक मक्ता और एक मसरा याद रह गया है। सो गागा दिल जब दिल उलटने लगता है 10-5 बार ये मक्ता जुबान पर आ जाता है। जिंदगी अपनी जब उस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे के खुदा रखते थे। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आता हूँ तो ये मसरा पढ़ चुप हो जाता हूँ। ऐ मिर्ग नागहा तुझे क्या इंतजार है। इसकी आप हवाले के साथ में तशरीह करेंगे। हवाला मतलब सयाग सबाक। सयाग सबाक एक बार हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। ये इक्तबास गालिब के खतूत से अक्स किया गया है। ये खत गालिब ने मुंशी हर गोपाल तप्ता के नाम लिखा है। गालिब का खत लिखने का अंदाजा जो है वो निराला है। उनके खतूत ने उर्दू को एक नई जहत अता की है। सलासत शगुफ्तगी सादगी और बेतकल्लुफी गालिब के खत की जान है। ये सयाक और सबाक हवाला है। इसके बाद आप इसकी तशरीह करेंगे जो कि मैंने समझा दी थी आपको। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा सवाल जो है देखिए मंदरजा जैल अल्फाज के मानी बताइए। अल्फाज ये हैं नाम आवरी, रका सुखने गुस्तरी, रका जीस्त मुखफिफ मुतफरक तलक नवाई मफरत मिर्गे नागहां। इन अल्फाज के आप माने लिखेंगे और याद भी करेंगे।